मॉर्निंग क्लास, आज हम लोग अपनी हिंदी पाठमाला आकृति का अगला चैप्टर पढ़ेंगे। हमने पिछले दो चैप्टर्स में आप लोगों को अच्छे से समझा दिया था, उसका क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों को पीडीएफ के माध्यम से मिल गया होगा और सब कुछ हमने पूरे चैप्टर को विधिवत समझाया था, जो कि पहला चैप्टर था आप लोगों का आयावसन, जिसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या भी हमने लिखवा दिया था आप लोगों को, और दूसरे चैप्टर को भी हमने अच्छे से बखूबी आप लोगों को समझाया था। आप लोगों को पता ही होगा, एक्सरसाइज भी हमने करा दिया था, दिखा दे रहे हैं उस चैप्टर का एक्सरसाइज। अब आप लोग आगे बढ़ेंगे मेरे साथ दूसरे चैप्टर पे। ये हमारा जो अगला चैप्टर है, इसका शीर्षक है मुर्गे की बांग। मुर्गे की बांग, मुर्गी की बांग में क्या है कि एक मुर्गे के बारे में बताया गया है जो कि थोड़ा घमंडी टाइप का है। उसे घमंड हो गया है कि जब तक हम नहीं रहेंगे जंगल में कोई भी जानवर नहीं जग पाएगा बिना। तो बच्चों, हमें घमंड नहीं करना चाहिए। जो घमंड करता है उसका घमंड एक न एक दिन टूट ही जाता है, जिस प्रकार इस मुर्गे का भी घमंड एक दिन टूट गया। तो चलिए इस चैप्टर का हम रीडिंग लगाएंगे और रीडिंग लगा के देखेंगे कि इस चैप्टर में उसका घमंड किस प्रकार टूटता है और उसे कैसे अपने ही जंगल के जानवरों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हर कोई इंसान हो या जानवर, किसी के अंदर अगर अहम या घमंड की भावना आ जाती है तो वो ये समझता है कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम तो अपने आप में परफेक्ट हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। यही बात इस मुर्गे में भी आ गई थी, जो कि सारे जानवर, जंगल के जो भी जानवर थे इसके साथी, वो सारे जानवर मिलके इसके घमंड को गलत साबित कर दिए कि देखो, किसी के बिना किसी का काम नहीं रुकता, सबका काम होते रहता है। तो चलिए हम रीडिंग लगाते हैं, आप लोग भी ध्यान से इस चैप्टर को पढ़िएगा, बहुत ही अच्छी चैप्टर है। एक था मुर्गा, नाम था खू। एक मुर्गा था, उसका नाम था खू। पता है क्यों? क्योंकि वह कुकड़ू कू की जगह कुकड़ू खू बोलता था। जैसे मुर्गे बोलते हैं ना कुकड़ू कू, तो वो कुकड़ू खू बोलता था, इसलिए उसका नाम खू पड़ गया था। खू देखने में बहुत सुंदर था, बहुत बड़ा बड़ा सा, वो बड़ा सा था, मतलब वो मुर्गा देखने में बहुत सुंदर था और हाइट में भी थोड़ा बड़ा था, एकदम सफ़ेद रंग का, और उसका कलर कैसा था, एकदम पूरा वाइट कलर का। उसकी सुंदर सी लाल रंग की चोंच थी और सिर के ऊपर लहराती हुई कलगी। उसकी चोंच कैसी थी, तो लाल रंग की थी, और जो मुर्गे के ऊपर जो कलगी, एक देखे होंगे आप लोग, मुर्गे के ऊपर लहराता रहता है रेड कलर का, वो सिर के ऊपर लहराती हुई कलगी, मतलब उसके जो सिर पे लहरा रहा था लाल कलर का कलगी, वो भी उसकी सुंदरता में चार चांद लगा देता था। खूब बड़ा चतुर भी था। खू कैसा था? चतुर था। एक लोमड़ी बहुत दिनों से उसे पकड़कर खाने की ताक में थी। अब देखिए, उसी के जंगल में, जिस जंगल में वह रहता था, उस जंगल में एक लोमड़ी रहती थी जिसे वह मुर्गा बहुत पसंद था। वह उसे खाने की ताक में हमेशा रहती थी, लेकिन हर बार खू उससे बच निकलता था। खू क्या करता था, वह चतुर भी था, तो हर बार लोमड़ी के आने के पहले ही वहाँ से हट जाता था, इसलिए खू अपने आप को बहुत ज़्यादा चतुर समझने लगा था। क्या समझने लगा था? अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार, मतलब चतुर माने होशियार समझने लगा था। उसे घमंड हो गया था कि अब हमें लोमड़ी खा ही नहीं सकती है। एक दिन पेड़ की सबसे ऊंची वाली डाल पर बैठने ही वाला था कि अचानक जोर से हवा का एक झोंका आया और खू ऊपर से गिर पड़ा। कहाँ से गिर पड़ा? ऊपर वाली डाली पे बैठने जा रहा था पेड़ की, तब तक हवा का झोंका आया और खू क्या किया, नीचे गिर गया। खू को हवा ने नीचे गिरा दिया। उसे देखकर सभी जानवर हंसने लगे। अब जब कोई गिरता है तो अमूनन सी बात है कि जो सामने वाला रहता है वो, उसे हंसी आ जाती है। तो इस प्रकार जब वो मुर्गा ऊपर से नीचे गिरा तो सारे जानवर जो भी उसको देख रहे थे सब हंसने लगे। कुत्ता भों हों करके हंस रहा था, कुत्ता भी हंसने लगा। बताओ, बकरी कैसे हंस रही थी और घोड़ा कैसे हंस रहा होगा? ये आपसे पूछा जा रहा है कि कुत्ते को तो बता दिया गया कि भों करके हंस रहा था, लेकिन बकरी कैसे हंस रही होगी और घोड़ा कैसे हंस रहा होगा? अपनी ही आवाज़ में हंस रहे होंगे। खू को
बहुत खू को बहुत गुस्सा आया, उसका चेहरा फूल गया और आंखें लाल हो गईं। वह कौं 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 करके सोचने लगा, ये लोग मेरा मजाक बना रहे हैं, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा, सुबह होने दो, इन सबको बता दूंगा। अब देखिए उसके अंदर घमंड आ गया था कि ये लोग मेरा मजाक उड़ाए हैं, मेरा मजाक बनाए हैं, मैं सुबह इन लोगों को बताऊंगा। अगले दिन तड़के ही मुर्गा उठ गया। अगले दिन क्या हुआ, तड़के ही मतलब अर्ली मॉर्निंग, एकदम सुबह में ही वो मुर्गा उठ गया। इतनी सुबह थी कि अभी सूरज तक नहीं जागा था। खू ने अपने पंख से अपनी आँखें मली, जोर से अंगड़ाई ली, फिर वह अपनी गर्दन लंबी करके जोर से कुकड़ू खू चिल्लाने ही वाला था कि रुक गया। क्यों रुक गया, उसे याद आ गया कि सारे जानवर उसका मजाक बनाए थे। उसने कुकड़ू खू नहीं किया, उसे याद आ गया कि उसे कल सब जानवर उस पर हंस रहे थे। खू ने सोचा, अब देखना, अब पता चलेगा इनको मेरे ऊपर हंसने का क्या मतलब होता है। मतलब कहने का मतलब है कि मुर्गे ने सोचा कि अगर हम आवाज़ नहीं देंगे तो कोई जगेगा ही नहीं, और उसके बाद ही लोग मेरी अहमियत समझ जाएंगे। जब मुर्गे ने कुकड़ू खू किया ही नहीं तो कोई जानवर जगा ही नहीं, भला मुर्गे की बांक के बिना कोई कैसे जागता, सभी जानवर सोते रह गए। धीरे धीरे सूरज उगा, पहले वह दूर के पहाड़ों के ऊपर आया, अब उसका चेहरा पेड़ों के ऊपर भी दिखाई देने लगा। अभी सभी जानवर सो ही रहे थे, सोते सोते वे खर्राटे ले रहे थे। कुत्ता कर रहा था भौंटर भौंटर ऐसे, बताओ बकरी कैसे खर्राटे ले रही होगी और घोड़ा कैसे खर्राटे ले रहा होगा। धीरे धीरे सूरज और भी चढ़ गया। अब मुर्गे को भूख लगी, उसने इधर उधर देखा, ऊपर नीचे देखा, फिर उसे याद आया कि घोड़े के लिए बहुत सारे चने रखे होंगे। खू हमेशा कोशिश करता था कि घोड़े के लिए रखे चने खा लें, लेकिन घोड़ा खाने ही नहीं देता था। आज खू को लगा कि घोड़ा तो सो रहा है, इसलिए अब मौका है। ठीक, मुर्गा पेड़ से उतर आया और चने खाने लगा। उसने खूब चने खाए, खाता गया खाता गया खाता गया, इतना खाया इतना खाया कि वह फूलकर एकदम गेंद की तरह गोलमटोल कुप्पा हो गया। उसने एक बड़ी सी डकार ली और धप से बैठ गया। उसने अब उससे चलते भी नहीं बनता था। अब क्या हुआ, उससे चलते भी नहीं बन रहा था, उसने इतना खा लिया था। इतने में वहाँ लोमड़ी आ गई। अब देखिए सारे जानवर तो सो रहे थे और यही एक जगा हुआ था मुर्गा, तो जब सारे जानवर सो रहे थे और ये अकेले जग के सारा चना खा लिया था और पेट इसका एकदम फूल गया था, ये चलने के भी कंडीशन में नहीं था, उस समय कौन वहाँ आ गई, लोमड़ी आ गई। लोमड़ी ने देखा, अरे वाह, मुर्गे से तो चलते ही नहीं बनता है, अब बचकर कहाँ जाएगा। बेचारा मुर्गा बेचारा बुरी तरह घबरा गया। उसने डर के मारे एकदम पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उससे तो हिलते ही नहीं बना, इतना खा लिया था वो, उसका पेट इतना फूल गया था कि वह हिल भी नहीं पा रहा था। अब लोमड़ी उसकी तरफ बढ़ने लगी, उसका मुंह खुला हुआ था, उसके पैने पैने दांत चमक रहे थे, लाल लाल जीभ लपलपा रही थी और मुंह से लार टपक रही थी। मैं तुमको खा जाऊंगी, किसने कहा, लोमड़ी ने, मैं तुमको खा जाऊंगी। अब वो बार बार उसको यही बात कह रही थी कि मैं तुमको अब खाऊंगी, क्योंकि क्या था, मुर्गा अकेले था, कोई भी जानवर जगा नहीं था, तो मुर्गे को अकेला देख के लोमड़ी एकदम और आश्वस्त हो गई कि अब आज हमें इस मुर्गे को खाने से कोई नहीं रोक सकता। लोमड़ी और भी पास आ गई, खू को उसकी काली नाक और चमकती आंखें दिखने लगी। लोमड़ी खू पर झपटकर उसकी गर्दन दबोचने ही वाली थी कि अचानक मुर्गे को कुछ याद आ गया। वह जोर से चिल्लाया, कुकड़ू कू। वह कहते ही सभी जानवर जाग उठे, उन्होंने देखा कि लोमड़ी मुर्गे पर झपटने वाली है। कुत्ता तेजी से दौड़ता हुआ आया और जोर से लोमड़ी की पूंछ काट खाई। बकरी दौड़ती हुई आई और लोमड़ी को जोर से सींग मार दिया। घोड़ा दौड़ता हुआ आया और लोमड़ी को इतनी जोर से दुलत्ती मारी कि लोमड़ी गुलाटी खाती हुई हवा में उछल पड़ी। जमीन पर वापस गिरने के बाद वह वहाँ से जो भागी की अभी तक वापस नहीं दिखी। उस दिन के बाद मुर्गा भी रोज समय पर कुकड़ू कू करता चला आ रहा है। अब देखिए
मेन इस कहानी का मेन सार, मेन मतलब, मुख्य सार ये है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए और जब तक हमारा जो काम है हमें वो काम करना चाहिए। मुर्गे का काम था सुबह उठ के भाग देना, जो उसने नहीं दिया जिसकी वजह से सारे जानवर सोते रह गए और वह मुर्गा खुद मुसीबत में पड़ गया। तो इसलिए हमें अपनी काम को, जो भी हमारा काम है उसे अपने मन से करना चाहिए और सब किसी को भी परेशान करने के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। अगर वह किसी को परेशान नहीं किया होता, सुबह उठते ही अगर आवाज़ दे दिया होता तो सारे जानवर जग गए होते और उस मुर्गे को इतनी दिक्कत नहीं उठानी पड़ी होती, उसे लोमड़ी से इतना डर नहीं हुआ रहता। तो बच्चों, ये हमारा चैप्टर था जो समाप्त हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे सफदर्द की तरफ। ये हमारा सफदर्द है, इसे आप लोगों को अपनी नोटबुक कॉपी में भी नोट करना है। कलगी का अर्थ होता है शिखर या चोटी। चतुर का अर्थ होता है बुद्धिमान। गुस्सा का अर्थ होता है क्रोध। खर्राटे का अर्थ होता है सोते समय मुंह से निकलने वाली खरखर की ध्वनि। बहुत लोग जब सोते हैं तो उनके मुंह से आवाज़ निकलती है, उनके नाक से आवाज़ निकलती है, उसे ही हम खर्राटे कहते हैं। डकार, डकार का अर्थ होता है मुँह से पेट की वायु निकालना। जैसे डकार लोग मारते हैं तो मुंह से आवाज़ निकलती है, गैस निकलता है, उसे ही हम डकार मारना कहते हैं। गुलाटी, गुलाटी का अर्थ होता है कलाबाजी। गुलाटी मतलब क्या होता है, लोग जानवर एक दूसरे के साथ खेलते हैं तो गुलाटियाँ मारते हैं, कलाबाजियाँ करते हैं, तो उसे हम गुलाटी मारना कहते हैं। ये आपका शब्दार्थ हो गया, इसे आप लोग को अपनी नोटबुक कॉपी में नोट करना है। अब आगे बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। हमारा एक्सरसाइज आज का, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। खू देखने में बहुत डैस था, क्या था, सुंदर था, गंदा था, कुछ नहीं था या भद्दा था। तो खू देखने में कैसा था, सुंदर था, सुंदर पे हमने टिक लगाया है, ये आप लोगों को यहाँ लिखना है, ठीक है। खू कहाँ जाकर बैठा, छत पर, पहाड़ पर, पेड़ पर, इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है, तीसरा वाला सही है, पेड़ पर। खू कहाँ जाकर बैठा, तो खू पेड़ पर जाकर बैठा। चने खाकर खुर से चला जा रहा था, चला नहीं जा रहा था, थोड़ा लड़ने लगा, इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शन में से आपका दूसरा ऑप्शन सही है कि चने खाकर खुर से चला नहीं जा रहा था, वो इतना ज़्यादा चना खा लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला एक्सरसाइज है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। खू बड़ा चतुर था, यहाँ क्या भरेंगे, खू। उसे देखकर सभी जानवर हंसने लगे, यहाँ भरेंगे जानवर। उसका चेहरा फूल गया और आंखें लाल हो गईं, यहाँ लिखेंगे फूल और यहाँ आंखें। सभी जानवर सोते रह गए, यहाँ क्या लिखेंगे, सोते। लोग और भी पास आ गए, यहाँ लिखेंगे लोग, ठीक है। अब है किसने किससे कहा, ठीक है। बकरी कैसे हंस रही थी, किसने कहा, लेखक ने आपसे कहा, आप लिखेंगे। घोड़ा कैसे हंस रहा होगा, लेखक ने आपसे। बकरी कैसे खर्राटे ले रही होगी, लेखक ने कहा है आपसे। घोड़ा कैसे खर्राटे ले रहा होगा, लेखक ने पूछा आपसे, ठीक है। अब सही गलत है, खूब सुंदर था, हाँ सही है। खूब पेड़ से गिर पड़ा, सही है। सभी जानवर अपने आप उठ गए, गलत। जानवरों ने खू की मदद की, सही। लोमड़ी ने खू को खा लिया, गलत, क्योंकि लास्ट में तो सबने मिलकर उसको बचा लिया था, ठीक है। अब ये आप लोगों का हो गया। अब आप होमवर्क है आपका, ये पर्यायवाची लिखो, पर्यायवाची शब्द लिखो। दिन का, थोड़ा, पहाड़, पेड़ और सूरज, सबका तीन तीन पर्यायवाची आप लोगों को बुक में लिखना है खुद से। वाक्य में प्रयोग करो, कुकड़ू को, सुंदर सी, झोंका, फूलकर, गोल मटोल, इसका आप लोगों को वाक्य में प्रयोग करना है, एक लाइन का वाक्य बनाना है। तो ये आप लोगों का हो गया। निम्नलिखित जानवर का उनकी आवाज़ से मिलान करो। मुर्गा क्या बोलता है, कुकड़ू को। घोड़ा हिनहिनाता है। कुत्ता भौं भौं करता है। बकरी मिमियाती है। बिल्ली म्याव म्याव करती है। और गाय रंभाती है, ठीक है। इसे आप लोग मिला लेंगे, ठीक है। अब ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है। अब हम अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से
ध्यान से रीडिंग कीजिएगा, पढ़िएगा और एक्सरसाइज बुक में ही रहने दीजिएगा। इसका क्वेश्चन आंसर और शब्दार्थ आप लोगों को पीडीएफ के माध्यम से जाएगा, तो आप लोग पीडीएफ से देख के और अपना शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, और जो भी एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज को अपनी बुक में ही भर के बुक से ही लर्न कीजिएगा, ठीक है। तब अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग अपना तैयारी कीजिए, अपना चैप्टर कंप्लीट कीजिए। बाय।